मेरे को इसके रिलेटेड बस मतलब प्लानिंग इसमें थोड़ा डिटेल पे मैंने बट तैयारी करके नहीं आया, बस इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को बस फंड्स की जरूरत है। और क्या कर रहे हैं यार तू, मतलब मजाक है क्या? हेलो एवरीवन, तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं, नहीं यार कपड़े की दुकान पे नहीं आए हम, तो गाइस हम आ गए आज। जी हाँ गाइस, हम लोग आ चुके हैं शार्क टैंक रांची में, मजाक कर रहा था। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं ज़ेनफेस्ट में, जो कि मेला है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसे शार्क टैंक कहा जा सकता है लोकल लेवल पे। तो दोस्तों ज़ेनफेस्ट लगा हुआ है जो कि रांची के कडरू में मौजूद चिल्ड्रंस पार्क में लगा है 3 दिनों के लिए, और मेरे ख्याल से जब तक मैं वीडियो डालूंगा तो ज़ेनफेस्ट ओवर भी हो चुका होगा। पर गाइस कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो बेसिकली ये मेला है स्टार्टअप के लिए, जहाँ पे जो अपने अपने स्टार्टअप प्लान करते हैं वो अपनी अपनी कंपनी को लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ पिचिंग भी चल रही है गाइस, तो पिच भी कर सकते हैं। अभी कितना फ़ायदेमंद है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यू आर वॉचिंग टू ब्लॉगर्स, आई एम अक्षय। और आज गाइस हमारा प्लान था कि आज चले और चल के कहीं ब्लॉग बनाया जाए, पर ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली कुछ काम था। तो टाइम कम होने की वजह से हमने डिसाइड किया कि चलते हैं, मेला लगा हुआ है तो मेला का ही एक ब्लॉग बना लेते हैं। उस टाइम हमें पता नहीं था कि मेला क्या है, किस चीज़ के ऊपर है और मेले में क्या हो रहा है, पर यहाँ के पता चला कि ज़ेनफेस्ट लगा हुआ है और ये मेला है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब देखो यार, मेला तो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप स्टॉल लगवा रहे हो, आप पैसा तो ले रहे हो उनसे, नए स्टार्टअप से आप पैसा ले रहे हो स्टॉल का, पर उन्हें क्या उतने लोग मिल रहे हैं, उतने क्राउड आप जुटा पा रहे हो जो उन्हें देखें, बिल्कुल भी नहीं जुट रही है। तो दिक्कत यहाँ पे मुझे बस एक ही यही लग रही है कि क्राउड उतना नहीं जुट पा रहा है। अब कुछ लोग बोलोगे कि यार नहीं, इन्वेस्टमेंट होगी, पिच कर रहे हैं लोग, अच्छी मेरा, मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है गाइस। तो ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही पत्थर की लकीर होगी, सही बात होगी, मुझे बस जो लगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। बाकी स्टार्टअप मेला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, कुछ ना होने से तो बेटर है कि कुछ मिल रहा है। अभी मैं आपको एक पिच सुनाने जा रहा हूँ, तो आप पिच सुनो। आप ये जो देख रहे हो क्रिया नीति, इनका स्टॉल है, आप देखो ये मज़े में है क्योंकि इनके पास कोई आ ही नहीं रहा है जिसे ये लोग बता पाए। पिच भी जब ये कर रहे हैं तो यही हाल है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, बस ऑर्गेनाइजर्स बैठे हुए हैं। तो आप इनकी पिच सुनो, बाकी आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो मेला लगा हुआ है ये कितना फेयर है स्टार्टअप्स के लिए। देखिए दोस्तों, अभी स्टेज पे आए हैं अपना पिच लेकर के, क्या नाम है, क्रिया नीति। अभी जानते हैं क्रिया नीति क्या है। अरे वो तो ठीक है, पैसा देने वाला आदमी कौन है, देने वाला यहाँ से जो नहीं, जो जिसको पसंद आएगा ना, लोग बाद में कांटेक्ट करेगा उसके हिसाब से लोग। और ये जितना भी इनका स्टार्टअप है गाइस, सबका स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, तो जितने भी लोग यहाँ आके पिच कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, यहाँ पे डिस्प्ले में भी है, स्टॉल्स भी सबको मिला है, बढ़िया है छोटा छोटा स्टार्टअप्स के लिए। हम लोग को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बस सब्सक्राइब तो कर दो भाई। मनीष प्यूरेश टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पिचिंग, प्लीज कंटिन्यू। प्यूरेश की बारी अगली बार। सो होप आई एम ऑडिबल। सो आई एम मंजित कुमार वर्मा फ्रॉम क्रिया नीति कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड आई एम अनिल सोनी फ्रॉम क्रिया नीति। सो वी आर अ आईटी स्टार्टअप इन झारखंड। So if you see the problem in Jharkhand, we have been working in Bangalore and South Indian states of Jharkhand, India, where we have seen a lot of innovation is happening. But when we come back to our home state and we see people are still going with the monotonous status, right? Monotonous way of doing work. If you go to shop, they will be asking for cash again. So what we are doing is we are trying to transform the thinking and the way of processing in Jharkhand itself. Right? So if you see what we are doing, we are basically involving ourselves in web designing, mobile application development for a common person, right? So say suppose if you are going for a school, right? We are creating a complete automation application for schools. So you can just go with like home tuition or whatever you want, just like we have been running in our work from home, right? So students can go to their home and just click submit their applications and assignments and all and just get it done. So it's one of our product. We have been creating multiple products in the hospital area where doctors can collaborate with the patients, right? We already have deployed our websites and apps in this area, right? And we have been creating multiple apps which is already deployed in Play Store. So right now we are trying to involve or like getting
तो गाइस ये थी पिच जो आपने सुनी अभी क्रिया नीति की। पिच तो ठीक है पर पिच सुन के इन्वेस्टर कहाँ है? वहाँ तो जितने लोग बैठे हुए थे वो या तो ऑर्गेनाइजर थे या तो कुछ लोग ऐसे ही आके बैठ के सुन रहे थे। शार्क टैंक के जो शार्क टैंक देखने वाले लोग वो आके बैठ के देख रहे होंगे और कुछ तम्बू गाड़ने वाले लोग थे, इन्वेस्टर कहाँ थे भाई? तो यही है कि ऐसा स्टार्टअप रखो तो एटलीस्ट स्टार्टअप्स के लिए कुछ करके देना चाहिए, ना तो वहाँ पे क्राउड आ रहा है जो आपके प्रोडक्ट को देखे जा करके, तो बहुत अच्छा नहीं है। पर ठीक है, पहले कुछ भी नहीं होता था, अब कुछ तो हो रहा है, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए एटलीस्ट, और वहीं से कुछ प्रोडक्ट्स बिक भी जा रहे हैं, तो ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस यही था, और ये स्टार्टअप मेला 3 दिन का था और नेक्स्ट टाइम फिर से लगेगा, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो ZenFest से। नेक्स्ट साल आपको अगर स्टार्टअप के स्टॉल लगाना हो या अपने स्टार्टअप के लिए यहाँ पे जाना हो तो आप जा सकते हो। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ा इसे नहीं खींचूंगा, ये ब्लॉग कम कमेंट्री वीडियो थी, तो बहुत शॉर्ट में इसे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेक श्योर कि यार वीडियो को आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों स्टार्टअप वीडियो है हमारा, स्टार्टअप तो ये चैनल ही है, तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि अगली बार अगर कोई वीडियो आए स्टार्टअप पे या किसी भी चीज़ पे तो सबसे पहले आपको पता लग जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।